tomorrow we are going to organize first leadership summit, which will be on tomorrow, that is 7th and 8th, 7th aur 8th ko hoga. Aur iska naam humne diya hai first leadership summit, leading India through innovation, growth and diversity. फंक्शंस समाप्त हुए और उसके बाद हम लोग ये काम कर रहे हैं. इसमें हमारे कुलीग डॉक्टर मुकबिल बुरहान, ही इज़ प्रोग्राम चेयर ऑफ दिस समिट, और इसमें काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं और काफ़ी ये सारे जो हैं बड़े सीनियर लोग हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल के लोग हैं. उसमें से कुछ नाम जो मैं आपको बताऊँ, एक है मिस्टर आनंद कृपालू, ये हैं एमडी सीईओ एंड मेंबर डीआईजीओ ग्लोबल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और ये अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं तो वो आ रहे हैं. मिस्टर मुकुल वालविकर, ये फॉर्मर एमडी एंड सीईओ हैं एसर कंप्यूटर्स के. तीसरे आदमी जो आ रहे हैं ये हैं मिस्टर विजय गंभीरे, ही इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सीएट, जो टायर बनाते हैं, स्पेशलिटी टायर बनाते हैं उनके हैं. और मिस्टर अनीता, मिसेज अनीता भोगले, सी इज अगेन फ्रॉम अहमदाबाद, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अहमदाबाद और एम कैलकटा. मिसेज अनीता भोगले, सी चेयरपर्सन रिसर्च कंसल्टेंट. एक आ रहे हैं स्पीकर मिस्टर संदीप दास, ये लोकल जितने भी जेएम के हैं के वाइस चांसलर्स हैं, उन सबों को हम लोगों ने इनवाइट किया है. और यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्री के लोग हैं, उसमें से जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये हैं मिस्टर राजीव चौधरी, चेयरमैन केसी ग्रुप, और जितने भी वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर अशोक कायमा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर मनोज धर वाइस चांसलर जेएमके जम्मू, प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा वाइस चांसलर एसएमवीडी कटरा, प्रोफेसर अंजू वसीम वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, और फिर इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, मिस्टर परवेज, मेरे चीज फोटोग्राफ या मिस्टर तलत परवेज रोहेला. और इनमें ये सारे स्पीकर्स हैं और इस पर जो है चार टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. What would you explain this all? दो दिन का कार्यक्रम है, इसमें वी हैव डिवाइडेड इट इनटू फोर सेशंस, जहां पर ये सारे पावरफुल स्पीकर्स पैनल में डिस्कस करेंगे. जो चार टॉपिक्स हमने चुने हुए हैं आफ्टर लॉट ऑफ फिल्टरिंग, थिंकिंग अबाउट द नीड ऑफ द रीजनल एरिया एज वेल एज द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम, जो स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री को फ़ायदा दे उसको सोच के, बेस्ड ऑन दैट वी हैव चूज फोर टॉपिक्स. सर्क्युलर इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द रोल ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया. वी हैव सम वेरी पावरफुल स्पीकर्स इन दिस सेशन फ्रॉम इंडस्ट्री, सम बिग सीईओज जो इसमें डिस्कशन करेंगे एक पैनल के हिसाब से. इंक्लूसिव ग्रोथ, हाउ टू एंश्योर द इकोनॉमिक सिस्टम टू वर्क फॉर ऑल, पर्टिकुलरली कीपिंग जे एंड के इंटू कंसिडरेशन, हाउ डज जे एंड के प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जे एंड के को मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक फ्रंट पर कैसा लाया जाए, उस चीज़ के लिए वी हैव इन्वाइटेड स्पीकर्स टू टॉक अबाउट. वी हैव डिसरप्शंस इन द इंडियन मार्केट्स, आजकल जियो जैसी चीज़ें हैं जो डिसरप्ट करते हैं, एंड वी हैव इनफैक्ट एक्स जियो हेड मिस्टर संदीप दास हु इज़ ज्वाइनिंग अस एंड गोइंग टू टॉक अबाउट डिसरप्शंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. जो लास्ट वाला सेशन है हमारा जो नेक्स्ट डे है, वो है इमर्जिंग रोल ऑफ एकेडमिया, जहाँ पर एकेडमिया का रोल नॉलेज इकोनॉमी में, आजकल हम आज के ज़माने में कहते हैं कि इकोनॉमिक जो है मोर ऑन फ्रंट इज डिपेंडेंट ऑन नॉलेज, और उस चीज़ को लेकर वी हैव इनवाइटेड वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम जे एंड के एंड IIT जम्मू के जो डायरेक्टर हैं उनको. प्रोफेसर BSI डायरेक्टर IIM जम्मू इज़ ऑल्सो गोइंग टू सिट इन दैट पैनल. विल हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन इन दिस स्पेसिफिक पैनल, जहाँ पर सारे वाइस चांसलर्स इंक्लूडिंग द पीपल फ्रॉम IIT जम्मू एंड IIM जम्मू, प्रोफेसर BSI एंड प्रोफेसर गौर,
सब लोग बैठ के विल डिस्कस हाउ टू ब्रिंग जे एंड के इन फ्रंट फोर फ्रंट. नाउ वी हैव बिग इंस्टीट्यूट्स हियर ऑल्सो. दैट्स वॉट इज द आइडिया एंड आई एम होपफुल दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल टू डे शो. And I'm sure that all of us will join us for these 2 days, and we together will bring J&K in the forefront of economics as well as the academics. आप लोग 24 जनवरी को श्रीनगर में IIM जम्मू का ऑफ कैंपस का इनॉग्रेशन मंत्री जी ने किया था, और वहाँ पे हम अपना ऑपरेशन जो है अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे. तो ये जो लीडरशिप समिट है ये उसी में एक कड़ी है कि हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कैसे ग्रोथ हो, कैसे डेवलपमेंट हो, किस तरह की इनोवेशन की ज़रूरत है, और चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं. और पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि आप देखेंगे जो जितने स्पीकर्स हैं, हम लोग और भी स्पीकर को चाह रहे थे कि वो लोग आएँ, तो जितने भी स्पीकर्स हैं सब जो हैं, चाहे तो MD हैं, CEO हैं, और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस रहा है. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये सब लोग आएँ. पहले हम HR कॉन्क्लेव करते रहे हैं, हमने 2 HR कॉन्क्लेव किया, लेकिन CEO समिट हम लोगों ने पहली बार, वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आइडिया यही है कि सब लोग आ करके, और एक चीज़ जो हम लोगों को समझना हो कि लीडरशिप की बड़ी कमी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लीडरशिप की बड़ी कमी है. गवर्नमेंट अभी जो है, J&K गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टर समिट करने वाली है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है J&K में, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और क्योंकि जब इतने सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, इन सबों को मिलकर के, सब लोग मिलकर के, क्योंकि ये नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस होने की वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ती है. और हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के, पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे IIM में आएँ, डिस्कस करें, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, किस तरह की इंडस्ट्री लग सकती है, किस तरह के लोग हो सकते हैं, किस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी विषयों पे चर्चा करें. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आने वाले वक्त में भी हम काफ़ी CEOs को बुलाते रहेंगे. यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स आते रहते हैं IIM में, और इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी, अब्रॉड से भी आते रहते हैं. हम लोगों ने काफ़ी इंटरनेशनल कोलाब्रेशन साइन किया है. अभी हमारे बच्चे जा रहे हैं विदेश में. तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें लीडरशिप की क्वालिटी को इनकलकेट करना, कि कैसे लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप किया जाए. और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो दो दिन का प्रोग्राम है, इसमें यहाँ के लोगों को, यहाँ के J&K को, UT को काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा, और IIM को तो बेनिफिट होना ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा CEO एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर आएँ. अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं.